इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वाइजर लगा दिया, बबल वाइजर और मोक्सी के एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर लगा दिए, और यहाँ पर देखो DRL लगा दिया है, ये देख सकते हो फोर्थ स्लाइडर भी लग चुके हैं, बॉडी इंडिकेटर लग गए हैं, और यहाँ पर स्लाइडर लगा रहा था कि इनकेस कभी बाइक गिरेगा ना तो आपका फेयरिंग वगैरह सेफ रहेगा और जो है बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे बाइक की। और इसके अलावा जो इसके स्टॉक इंडिकेटर आते हैं उसको हटाकर यहाँ लगाएंगे KTM वाले इंडिकेटर। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्लाइडर की फिटिंग चालू है, ये देख सकते हो यहाँ पर लगाया गया स्विच, और ये स्विच है फॉग लाइट के लिए, यानी कि ये एक ही स्विच लगेगा और दोनों तरीके की लाइटें इससे जलेंगी, यानी कि येलो भी और वाइट भी। तो अभी से कर लेते हैं कंप्लीट और फिर आपको फाइनल पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। फाइनली गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो तो हो चुकी है कंप्लीट यामाहा R15M की, और ये है मोस्ट लोडेड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सोएस फ्रंट में लगाया गया बबल वाइजर जो कि आप देख सकते हो, जो कि ब्लैक में है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी आपको लुक दे देता है ये, और अगर मैं दूर से आप दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका, देखो। बाकी जो मिरर थे वो हटा दिए गए क्योंकि ये स्टॉक ही अच्छे लग रहे हैं, बाकी आप चाहो तो ये टैनर वाले जैसे कि RCS वाले मैं हर बार आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको इस तरह इंडिकेटर होता है तो भी ले सकते हो, उसका स्टॉक ही रखा गया है। यहाँ पर DRS लगाए गए जिसको मैं भी आगे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पर लगाई विंगलेट, ये देखो फोर्थ स्लाइडर लगा रखे हैं जो कि आपकी जो है बाइक के शॉकर यानी कि जो सस्पेंसन है इससे मैच होते हुए, ये देखो शॉकर प्रोटेक्टर है यानी कि जो डिस्प्ले वगैरह है और आपकी जो है मड गार्ड वगैरह हो गई ये रखता है सेफ, यही काम इसका भी है यानी कि डबल प्रोटेक्शन हो गई। ये फोर्थ स्लाइडर दो तरीके के आते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये देखो, और ये पूरे तरीके से कलर मैच होता हुआ है। फॉग लाइट लगाने का स्टाइल आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ और प्रॉपर फिटिंग के साथ, ये देखो, ये देख सकते हो गाइस आप, सेम चीज इस तरफ भी दी गई है, ये मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ बढ़िया करके तसल्ली से, ताकि आप जब आओ कभी शॉप पर तो आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये कैसा लगेगा। ये देखो आप लगा रखें यहाँ पर लीवर गार्ड, इसमें कार्बन फिनिश प्लस जो ये इसकी जो एंड है ये है मेटल में, मतलब है तो सारा मेटल में, बट ये क्या है यहाँ पर ये ब्लू कलर से मैच है जो कि आपके लीवर्स हैं एडजस्टेबल वाले, और ये भी मॉक्सी के हैं, और इसका बेसिकली यूज़ होता है जैसे कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है, कुछ लोगों की लॉन्ग है, तो उस केस में अपनी कंफर्टेबिलिटी कहाँ आपको लगती है चलाने में तो वहाँ सेट कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और इन केस कहीं बाइक गिरता है तो आपने यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगाए रखे हैं, भीड़ में चला रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर सेफ्टी है, ये देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देखो योक फिटिंग में कर रखा है इसमें स्विच, और स्विच इतना डिसेंट ऐसे लगेगा नहीं, आपने बाहर से काम करवा रखा है, प्रॉपर जेन्युइन की का कवर आप देख सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर लगा रखा है मोबाइल होल्डर जो कि मेटल में है विद चार्जर, और यहाँ पर छोटा सा आपको स्विच देखने को मिलता है, जब इसको ऑन करोगे तो ये देखो लाइट जल गई, और ऑफ करोगे तो ये लाइट हो गई इसकी ऑफ, ये देखो ये हल्के 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 बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगी। इग्निशन अगर मैं ऑन करूँ और आपको दिखाऊँ फोकस फॉग लाइट का, तो ये देखो अब इसका फोकस जो है सेट करना है, बाकी गाड़ी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसमें येलो और वाइट दोनों मिलेंगे, जिस तरीके से येलो और वाइट जो है आपकी लाइट है उसी तरीके से 2-in-1 स्विच भी है, यानी कि एक ही स्विच से आप दोनों लाइटें कंट्रोल कर सकते हो, बरसातों में या फॉग के समय में अगर आप इसको ऑन करके चलते हो तो एक्सीडेंट के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। ये DRLs आपके स्टॉक है जो कंपनी से आते हैं, बट यहाँ पर जो है एक अपनी तरफ से डिजाइनिंग की गई, ये कलर आप कोई और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये ब्लू लेना, बट ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर, और ऑफिशियली जो कलर इसमें टच है वो ब्लू का है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव है, दूर से कुछ इस तरीके से लुक आता है। इसके अलावा जो फेयरिंग्स वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगा रखें स्लाइडर, ये देख सकते हो, ताकि इनकेस कभी गलती से बाइक गिर भी जाता है तो आपके जो है फेयरिंग वगैरह टूटते नहीं है, सारा इम्पैक्ट इस पर आ जाता, और इसमें आपको यामा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कलर इसमें भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इंडिकेटर जो आते हैं वो काफ़ी वाहियात से लगते हैं यहाँ पर और काफ़ी बेकार से भी लगते हैं, तो उस केस में यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर लगाएं जो कि बाइक के फेयरिंग से मैच होते हुए यानी कि प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा दी गए, वाटर प्रूफ है, ये देखो गाइस। लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको ऑन करके तो दोस्तों ये है इसका लुक। इसके अलावा जो फुल बाइक की गई लैमिनेशन
और लेमिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो आप। इससे पेंट भी सेफ रहता है, बाकी स्क्रैचेस वगैरह आपको पता है लगते नहीं है। फ्यूचर में कभी अगर अपनी बाइक को बेचते हो तो जब लेमिनेशन उतार के बेचोगे तो एज इट इज़ आपका वही कलर निकलेगा जो कि ब्रांड न्यू शोरूम से निकलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो है थाई पैड्स लगा रखे हैं जिससे जब आप बैठोगे तो ग्रिपिंग अच्छी बनती है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है। ये देखो, इसके अलावा सीट कवर चेंज है, ये देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो इसकी जो आगे वाली सीट है ये तो कंप्लीट है, पिछली सीट अभी तैयार हो रही है। और ये सिर्फ सीट कवर नहीं लगाया गया है, इसमें कुशिंग भी की गई है, यानी कि इसे थोड़ा सा कंफर्ट भी बनाया गया है ताकि जो थोड़ी बहुत आप राइड करो, चाहे लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, तो आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल रहे और चुभे ना। तो ये देख सकते हो, बाकी कलर आप जो चाहो करा सकते हो, प्रॉपर ब्लैक करा सकते हो। ये जो लिया गया, ये लिया गया है ब्लैक एंड ब्लू के कॉन्सेप्ट। ये स्विच है, ये है गाइस एम्बियंट लाइट का, ये देखो। यानी कि जब आपका दिल करे रात में, आपको लग रहा है कि अब रात का समय है और हमें निकलना है, तो इसको आप एक्टिवेट कर लो। साइड में कोई देखेगा तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो दोनों साइड से है, और इसमें आप मैं लोगों को पता ही है काफ़ी सारे कलर आते हैं, रिमोट वाले भी आते हैं, बट इसमें सिंपल रखा गया है, बस जब आपका दिल करे ऑन करो और जब आपका दिल करे इसको ऑफ कर दो। तो ये भी एक चीज़ है। बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर KTM वाले स्टाइल में इंडिकेटर LED बल्ब नहीं लगवाए, सीधे इंडिकेटर को ही चेंज कर दिया, स्लिम से है और फ्लेक्सिबल है। ये देखो टूटेंगे नहीं है, बाकी वो जो हार्ड वाले होते हैं ना तो अगर लग जाता है तो फिर वो टूट जाते हैं, तो उस केस में ये टेंशन नहीं है। तो जी सीट आ गई है, ये देख सकते हो आप, लगाना इसको भैया। और सीट लगने के बाद देखते हैं लुक कैसा आ रहा है इसका प्रॉपर। और ये भी जो है कंफर्टेबल वाली सीट है, यानी कि सिर्फ कवर नहीं लगाया गया, इसको भी कम्फर्ट बनाया गया। ये लो जी, तो ये वही कंप्लीट। साथ ही में इसमें हज़ार लगाया गया है जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलेंगे, यानी कि चारों इंडिकेटर जलेंगे आपके 40-50 तरीके के, वो भी अलग अलग। एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हो, जैसे लेफ्ट राइट पीछे प्रेस आप करते हो फास्ट फास्ट, तो पैटर्न इसके चेंज हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी किया आपके सामने। तो कभी एक इंडिकेटर जल रहा था, अभी ये जल रहा है। तो इसी तरीके से आपको 40-50 डिज़ाइन मिलेंगे, और पर्टिकुलर अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो एक बार आप इसको और दबा दोगे सब ये सेट हो जाएगा। अगर आप इग्निशन ऑफ भी कर दोगे ना तब भी वही रहेगा, और अगर चेंज करना चाहते हो तो फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो। और जब आप इंडिकेटर दोगे तो ये चारों इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और एक इंडिकेटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो ये थी मॉडिफिकेशन यामा R15M की जो मैंने आपके दिखाई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। मॉडिफिकेशन कैसे लगी कमेंट करके आप बता सकते हो, और अगर आप इस तरीके के काम कराना चाहते हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तो करोल बाग नाई वाला मार्केट में आ सकते हो हमारी शॉप पर, जो कि SKD नाम से आपको मिलेंगे, दो शॉप, एक मेन रोड पर और अंदर एक गली में है। किसी भी शॉप पर आके आप कहीं भी जा सकते हो, यानी कि अगर आप अंदर वाली गली में आ जाते हो और आपको काम करवाना है बाहर वाले से, तो बाहर वाले आप जाकर काम करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइसिंग वगैरह के लिए डिस्कशन में नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ दे रखा है, उस चेकआउट कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिले तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।